प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ा प्लान है। प्लान आपको बता देते हैं, अगले एक साल में देश भर के दौरे पर जाएंगे और सभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरों को लेकर बीजेपी ने एक टीम भी गठित कर दी है, एक टीम बना दी है। टीम का संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को बनाया गया है और सह संयोजक राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद मेनन, अलका गुर्जर, प्रद्युम्न कुमार, राजकुमार फुलवरिया और रोहित चहल इस टीम में शामिल हैं। ये टीम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की व्यवस्था और उससे पहले की तैयारियों पर ध्यान देगी। मेगा प्लान 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का एक साल वो पूरे देश का भ्रमण करेंगे, जनसभाएं करेंगे, दौरे करेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बना दी है। कौन है इस टीम में एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इस दौरे की व्यवस्था कौन करेगा आपको बता देते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। अविनाश, ये वाकई बहुत बड़ा प्लान होगा, पूरे देश में जाना, सभाएं करना, लोगों से मिलना, जनमत बनाना और ये तमाम कार्यक्रम एक टीम के जरिए करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या जानकारी मिल रही है आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में दो वर्ष का समय बचा हुआ है लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी ने अब ये रणनीति अपनाई कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसका इस्तेमाल पूरे देश में किया जाए और जिस तरीके से अगर अभी फिलहाल में बात करें तो दक्षिण भारत में बीजेपी उस तरीके से मजबूत है जिस तरीके से उत्तर भारत में मजबूत है, तो पूरा फोकस है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को मजबूत किया जाए और लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जाए। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने आज एक टीम बनाई जिसमें अगर बात की तो राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम सारे क्षेत्र चिन्हित करें, तमाम सारे राज्यों को चिन्हित करें जहां पे प्रधानमंत्री जाके अपने तमाम सारे कार्यक्रम करेंगे, उस क्षेत्र विशेष को, उस राज्य विशेष को क्या कुछ केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, इन तमाम सारी चीजों का जिक्र किया जाएगा और ये एक मेगा प्लान है बीजेपी का कि किस तरीके से प्रधानमंत्री एक साल तक अगले तमाम सारे राज्यों में दौरा करेंगे, वहां पे प्रवास करेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान करें और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। तो ये मेगा प्लान अब बीजेपी ने तैयार किया है और उसी को एग्जीक्यूट करने की अब तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कब से शुरू होगा, इस बारे में कोई सूचना आपके पास अविनाश? देखिए फिलहाल ये टीम बना दी गई, अब ये टीम अगले एक महीने में तमाम सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी, उसके बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करके फिर दौरे और कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि अगस्त यानी कि 15 अगस्त के बाद ये तमाम सारे जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की जाएगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक साल तक देश के कई राज्यों में भ्रमण करेंगे और वहां के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। जी अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बना दी है। टीम में कौन कौन है वो बता रहे हैं आपको, संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को बनाया गया है और इसके अलावा सह संयोजक राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को बनाया गया है। सारे कार्यक्रम की रूपरेखा इन्हें बनानी है, उसके बाद पार्टी के शीर्ष स्तर से इसे अनुमति मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।